नगर सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पार्टी में कुछ लोगों की गद्दारी से बीजेपी मुजफ्फरनगर जैसी सीटें हार गई, ये कहना है संजीव बालियान का। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के नेता संजीव सोम पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए और सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आपसी मतभेद से मुजफ्फरनगर में हाहाकार मच चुका है। जिस तरीके से वहां पर बीजेपी की हार हुई उस पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की हार से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि हार के बाद इस वक्त मुजफ्फरनगर सीट ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस तरीके से हरेंद्र मलिक ने इस सीट पर जीत हासिल की उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के जो बयान है वो निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, तमाम सीटें बीजेपी हारी है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नेता है उसमें आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान के आरोपों का बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया है। संगीत सोम ने बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो जिस तरीके से दावत शुरू हुई है उसके बाद हर तरफ चर्चा बस इन्हीं दोनों नेताओं के बयान की है। इस पर लगातार जो चीजें हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। हार के बाद मुजफ्फरनगर सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल डॉक्टर संजीव बालियान ने संगीत सोम जो कि पूर्व विधायक हैं उन पर चुनाव हारने का आरोप लगाया। हालांकि उसके बाद संगीत सोम ने बालियान के आरोपों का खंडन किया और कहा कि उन्हें इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को हरा सके। संगीत सोम ने बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। संजीव बालियान ने बीजेपी प्रत्याशी पर भी गंभीर का आरोप लगाया। हार के बाद अब मुजफ्फरनगर सीट पर चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। अब देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हरेंद्र मलिक जिस तरह से जीते हैं, 26 साल बाद समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है, जहां पर सपा उत्साहित नजर आ रही है, और देखिए सपा विधायक जो हैं, जो 26 साल बाद वहां से जीते हैं, उनसे भारत समाचार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। हरेंद्र मलिक से बातचीत करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो हमसे कनेक्ट होंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी चीजें थी जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के बीच में अंतर्द्वंद निकल कर सामने आ रहे हैं। संगीत सोम और संजीव बालियान के टकराव की खबर के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, जिस तरीके से नेता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब सवाल ये है क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा का इलेक्शन आना है और जिस तरीके से हार हुई है मुजफ्फरनगर की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख सीट मुजफ्फरनगर, और यहां पर बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुआ करती थी, लेकिन इस बार की सीट यहां पर बीजेपी हारी है और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के स्वर आपने सुने होंगे। हार के बाद सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर सीट की चर्चा हो रही है। एक तरफ संगीत सोम कह रहे हैं कि आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ जिसका कोई भी फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। संगीत सोम ने यह भी कहा कि बीजेपी सरधना विधानसभा क्षेत्र से जीती है, लेकिन बलियान बुढ़ाना और चरथावल से हार गए और बलियान को अपनी हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं चुनाव हारा तो मैंने किसी पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाए, कोई भी आरोप नहीं लगाए। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उन पर काफी केसेस दर्ज किए गए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हरेंद्र मलिक जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं मुजफ्फरनगर सीट से। हरेंद्र मलिक जी, सबसे पहले तो भारत समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरेंद्र मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे आपने मुजफ्फरनगर की सीट क्या जीती, कोहराम खड़ा कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए, और लगातार जो अंतर्द्वंद है, अंतर विवाद है जो निकल कर सामने आ रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं आपकी जीत को वो लोग? वो दरअसल में पता नहीं है, तो आदमी की मानसिकता होती है। मैं पहले 4 बार एमएलए रह चुका जी, 3 बार से मेरा बेटा एमएलए है, तो ये मैं नहीं समझ पा रहा। मेरी पहली पीढ़ी में हमारे मामा श्री जी कई बार जीते हैं, अब ये पता नहीं क्या पीड़ा हो रही है। और
हेलो जी जी सुन पा रहे हैं सर, कंप्लीट कीजिए। चुनाव जीत ही गया, मैं कह रहा ये तो पहले भी 4 चुनाव में जीत लिया और लड़का 3 जीत लिया, पंकज मलिक तीसरी बार एमएलए है, मैं 4 बार एमएलए रह लिया, एमपी रह लिया, अब एमपी फिर हूँ, तो हार जीत होती रहे, मैं तो हारा भी हूँ जीतता भी हूँ। जब लोगों का आशीर्वाद मिल जाए जीत जा, जब नहीं मिलता हार जा। जी लगातार 40-45 साल से राजनीति में हूँ मैडम। हेलो। अच्छा जी हरेन जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है और लाजमी भी है कि संगीत सोम बार बार बोल रहे हैं संजीव बालियान पर, अब सवाल ऐसे में ये है कि आपने कौन सी ऐसी बूटी उनको पिला दी वो लगातार अपने ही नेता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जी संगीत सोम जहाँ तक चुनाव लड़े वहाँ समाजवादी पार्टी एमएलए भी जीती है और संगीत सोम के खिलाफ भी जीती। संगीत सोम की मेरी एक बार भी चुनाव में बात नहीं हुई। अब संगीत सोम और मैं तो पहले पार्लियामेंट आमने सामने लड़ चुके, अब पता नहीं क्यों ये नाचना जाना आंगन टेढ़ा। अब चुनाव हार के इनकी पार्टी का मामला ये संगीत के नाम लगावे या किसी और के नाम लगावे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने तो असेंबली भी जीती है, असेंबली 20,000 से जीती थी, अब हम 45 वोट से जीत पाए, ओनली 45 वोट से। और देखिये मैं 2 विधानसभा क्षेत्र जीता हूँ जी, दोनों जाट बाहुल है और एक में तो खुद जो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा हरेन मलिक साहब, संजीव बालियान लगातार कह रहे हैं कि संगीत सोम की वजह से वो अपनी सीट हारे, अब उन्होंने गद्दारी की, अब लेकिन सवाल ये है कि आपने किस तरीके से उनको मैनेज किया, संगीत सोम को आपने कैसे मैनेज किया? जी संगीत सोम को खिलौना नहीं के मैनेज हो जाएगा, मेरी कभी संगीत सोम से बात नहीं हुई आज तक, ना मैंने मैनेज किया। मैं ये कह रहा है आप, मैं 14,000 के आसपास जीता हूँ चरथावल से, जहाँ इनका गाँव है मंत्री जी का, ये जो भाजपा के कैंडिडेट थे ये नौसिखे राजनेता है, एक्सीडेंटल लीडर थे, 13 में दंगा हुआ, 14 में लाशों के ढेर पर पैर रख करके पार्लियामेंट चले गए। मैं 47 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैं 78 में जेल काट आया था, 78 में राजनीतिक आंदोलन में 2 बार जेल गया, 78 में मैं 78 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तब से राजनीति हुआ, PDC से शुरू हुआ मैं। और देखो दूसरी जात बाहुल्य सीट है बुढ़ाना, उसमें जीते 18,000 से, तो जीत तो हमारी बुढ़ाना चरखावल में हुई है। शहर जहाँ ये खुद रहते हैं शहर में मैं 800 वोट से हरा, कुल 800 वोट से, वहां तो राजपूत वोट भी नहीं है। हरेन मलिक जी, उत्तर प्रदेश की अगर ज्यादातर सीटों की बात करें तो आधी से ज्यादा सीट पर हार हुई है तमाम सांसदों की, और सीधा सीधा उनका ये गंभीर आरोप है कि मैनेज किया गया। आप पर भी आरोप लगे कि आपने संगीत सोम को मैनेज किया, आप इसको मानते हैं? नहीं, मेरे आरोप गलत लगा रहे, मैं केवल इसलिए जीता हूँ कि लोगों ने अखिलेश यादव जी की नीतियों को पसंद किया और अखिलेश यादव को वोट दिया है और इसलिए मैं चुनाव जीत गया हूँ। इसमें ना कोई संगीत सोम है ना इसमें कहीं हरेंद्र मलिक है, और संगीत सोम नेता है, मैं उसे मैनेज कैसे कर लूंगा, वो सत्ता का आदमी है। अब मैं कह रहा कि मैं बुढ़ाना में जीता और चरथावल में जीता, चरथावल में इनका गांव है और इन्होंने पूरा एक तरफा कैप्चर भी किया, पर पड़ोस के गांव में सासू में जीत गया, इनके गांव से मिले हुए मैं, ये कहने से कोई लाभ नहीं होता। मैं इनके बराबर में हरसोलिया वहां भी जीता हूँ, कबीरपुर खतौला भी जीता हूँ, मांडी जीता हूँ, इनके बराबर में मिली हुई मांडी है, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं बात, क्या कह रहे हैं। हरेन मलिक जी, उत्तर प्रदेश की यही जो आप बात बता रहे, देखिए उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से तमाम सीटों पर परफॉर्मेंस सांसदों का, जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड आई, नतीजे आए, अब चारों तरफ इसको देखते हुए अंतर्द्वंद है, और सांसदों का भी कहना है कि वो हारे हैं, अब तमाम सांसदों पर मैनेज करने का आरोप लगा है। अब देखिए सवाल इसमें यहाँ पर यह भी है, आप क्या वजह मानते हैं, क्योंकि तमाम लोगों का यही कहना है। जी मुझे एक बात बताओ, मैंने आदमी मेरे से क्यों होगा, संजीव सोम मेरे से ज्यादा पैसे वाला, संजीव सोम सत्ता पर कुछ छोड़ करके अपोजिशन के लिए काम क्यों करेगा, मुझे एक बात बताओ, अपने कैरियर का डोटी है क्या, ये खाम खा इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई आप सबको गाली दोगे, रिया बताओगे सबको, आप प्रॉपर्टी इकट्ठी करोगे, आप किसी पर गोली चलवाओगे, किसी पर कुछ करोगे, तो साथ तो उठाओगे,
राजनीतिक आदमी को संवाद करते हैं, हमको क्या करें बताओ, मेरे खिलाफ इन्होंने चला हरिंदर मलिक बाप जहाँ मेरे खिलाफ एक 1244 तोड़ने का मुकदमा है, छुट हट चुका एक मुकदमा और मैं माफिया हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हरेंद्र मलिक जी, और जीत के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो 26 साल के बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना खाता खोला है और जिस तरीके से जीत हुई है, प्रतिक्रिया दे रहे थे, और जिस तरीके से जीत तमाम बीजेपी के सांसदों की हुई है उस पर भी हरेंद्र मलिक भारत समाचार से खास बातचीत कर रहे थे। बढ़ते अगली बड़ी